यूपी में नई जनसंख्या नीति लाकर योगी सरकार ने सूबे में राजनीतिक हलचल मचा दी, क्योंकि जहां योगी सरकार प्रदेश की लगातार बढ़ती जनसंख्या को विकास में बाधा बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और विपक्ष को लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा लगाकर योगी अपने लिए 2022 में जीत की जमीन तैयार कर रहे हैं। यूपी में जनसंख्या विस्फोट पर कानूनी चोट, योगी का प्रण, जनसंख्या पर होगा नियंत्रण। ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है। जिस तेजी से यूपी की आबादी बढ़ रही, उसने यूपी के भविष्य पर संकट ला दिया है। देश का सबसे बड़ा बेटा विकास के मामले में उन दूसरे राज्यों से कहीं पीछे है जिनकी आबादी यूपी से बहुत कम है, और इसका एक कारण है यूपी की आबादी। ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जबकि यूपी क्षेत्रफल के लिहाज से देश का चौथा राज्य है, लेकिन आबादी में सबसे बड़ा। अगर यूपी को अलग देश बना दिया जाए तो चीन, भारत, इंडोनेशिया और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मुल्क हो। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी छोटा है। मतलब यूपी के पास जगह कम है, लोग ज्यादा। लेकिन अब यूपी की खुशहाली के लिए सीएम योगी ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सूबे की नई जनसंख्या नीति पटल पर रख दी, जिसमें 2021 से 2030 तक जनसंख्या कंट्रोल के वो सारे दिशा निर्देश हैं जिससे न सिर्फ सूबे की दिशा बदलेगी बल्कि विकास की गंगा बहेगी। इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हरेक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। लेकिन योगी की जनसंख्या नीति विपक्ष को रास नहीं आ रही, वजह है इसकी टाइमिंग, क्योंकि सरकार ये मसौदा तब लेकर आई है जब 6 महीने बाद सूबे में चुनाव है। अब ये जो कानून ला रहे हैं, ये उसको चलाने में अपने अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए फेलिए। तो कुदरत का कानून है, जब वो दुनिया में आनी है तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साहब इससे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं, तो हम कैसे रोक सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक का विमोचन किया है, उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी हैं। साफ तौर से इस बात का भी जिक्र है कि कैसे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, उसे रोका जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश दुनिया में 5वां एक बड़ा देश होगा जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और जनसंख्या वृद्धि जिस तरीके से हो रही है, इसीलिए जो ये जनसंख्या नीति है उसको आज उसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है। वहीं सवाल जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य विधि आयोग के उस ड्राफ्ट का भी है जिसमें 2 बच्चे सबसे अच्छे जैसी बातों का जिक्र है। जानकारों की माने तो जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा यूपी के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल इससे जुड़ी राजनीति का है, क्योंकि किसी को ये चुनाव से पहले योगी का मास्टर स्ट्रोक नजर आता है तो किसी को विपक्ष के लिए सबसे बड़ा संकट। ऐसे में यूपी की सूरत कितनी बदलेगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।